प्यारे दोस्तों, खिलाफत अब्बासिया के जवाल पजीर होने के बाद आलम इस्लाम को एक मरकज पर जमा करने वाली सल्तनत सल्तनत सलजूक थी। सलजूकी तुर्कों ने न सिर्फ खिलाफत अब्बासिया को बहाल किया बल्कि मुसलमानों को एक मरकज के तहत इकट्ठा करके एक बड़ी सल्तनत कायम की और दुनिया के एक बड़े हिस्से में इस्लाम की इशाअत भी की। जबकि तारीख में पहली बार मुसलमानों के मुकद्दस मकामात मक्का और मदीना अरबों के हाथों निकलकर तुर्कों के जेर आ गए। इस हवाले से आज हम जानेंगे कि तुर्क दरअसल कौन थे, सलजूकी तुर्कों ने इस्लाम कैसे कबूल किया, सलजूकियों के उरूज ज़वाल से लेकर अर्तुरुल गाजी के दौर तक की तारीख का जायजा लेंगे। प्यारे दोस्तों, तुर्क दरअसल एक खाना बदोश कौम थी जो मशरकी एशिया और वस्ती एशिया में घूमती फिरती थी और वक्तन फवक्तन मगरबी एशिया और मशरकी यूरोप की आबादियों पर हमला आवर होकर इनको वीरान कर देती थी। 6वीं सदी ईस्वी में तुर्कों ने अपनी एक जबरदस्त सल्तनत कायम कर ली थी जो मंगोलिया और चीन की शमाली सरहद से लेकर बहर अस्वद तक फैली हुई थी। इस तुर्क सल्तनत के बानी का नाम तारीख में बुमेन दर्ज है और ये गोक तुर्क सल्तनत के नाम से जानी जाती थी। बुमेन का एक भाई आस्तामी था जिसने मगरब में कई फतुहात करके मौजूदा कागजिस्तान के इलाकों पर कब्जा करके एक अलग सल्तनत कायम कर ली थी। अहले चीन इनको शमाली तुर्क और मगरबी तुर्कों की सल्तनत के नाम से याद करते थे। मगरबी तुर्कों में तर्गेशन का कबीला सबसे मुमताज था जिसके सरदारों ने खाकान का लकब इख्तियार करके अपनी हुकूमत कायम की। ये 7वीं सदी ईस्वी का दौर था। जजीरा नुमा अरब इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हो चुका था और मुस्लिम अफवाज कैसरो कसरा की अजीम सल्तनतों का गुरूर खाक में मिला चुकी थी। प्यारे दोस्तों, तुर्कों और अरबों के दरमियान ताल्लुकात 1वीं सदी हिजरी में शुरू हुए जब खलीफा वलीद अव्वल के अहद में कतीबा बिन मुस्लिम ने बुखारा, समरकंद, खीबा, ताशकंद और काशगर के तुर्क इलाके फतह करके वहां इस्लामी हुकूमत कायम की। 737 ईस्वी में खलीफा शाम बिन अब्दुल मलिक के जरनैर नसर बिन सयाल ने मगरबी तुर्क सल्तनत तर्गेशन पर हमला करके इसका खात्मा कर दिया। लेकिन जल्दी अरबों का दौर टूटने के बाद तुर्कों ने 766 में एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी जिसे अफगान या बोक सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तुर्कों की यह सल्तनत आज के कजाकिस्तान के मुमासिल इलाके में कायम थी और एक बुत परस्त रियासत थी जिसका मजहब यह था कि यह एक आसमानी खुदा टेंगरी और रूहों को मानते थे। आल सलजूक के जदे अमजद का नाम डकारक था जो तुर्कों की इसी सल्तनत में एक फौजी कमांडर था। डकारक का एक बेटा सलजूक था और इसी सलजूक के नाम से ये खानदान मशहूर हुआ। प्यारे दोस्तों, सलजूक अपने गैर मुस्लिम तुर्क फरमरवा को छोड़कर ख्वारज़म और बुखारा की इस्लामी सल्तनत में चला आया और यहाँ वो और इसका पूरा कबीला मुसलमान होकर बुखारा के करीब कयाम पजीर हुआ। इसके बाद उसने गैर मुस्लिम तुर्कों पर फतूहत हासिल करके अपनी कुव्वत बढ़ाई। सलजूक बेग के 5 बेटे थे जिनमें से एक का नाम मिकाइल था और इसी मिकाइल के बेटे तोरल बेग थे जिसने 1037 ईस्वी में अजीम सलजूक सल्तनत की बुनियाद रखी। तुगरुल बेग के वालिद मिकाइल गैर मुस्लिमों से एक लड़ाई में शहीद हो गए जिसके बाद उनकी परवरिश उनके दादा सलजूक ने की और इसलिए उन्होंने इस सल्तनत का नाम अपने दादा सलजूक के नाम पर रखा। प्यारे दोस्तों, ये 11वीं ईस्वी का शुरुआती दौर था। मौजूदा अफगानिस्तान के इलाके गजनी में महमूद गजनवी की हुकूमत थी जो इस वक्त मशरक में हिंदुस्तान के बुतपरस्तों पर तूफानी यलगारों से इस्लाम का परचम सरबुलंद कर रहा था। इसी दौरान महमूद गजनवी को मगरब में एक परेशानी का सामना करना पड़ा जब उसे वस्ती एशिया में अफरासियाबी और सलजूकियों की बढ़ती हुई ताकत की इतला मिली। इसी बढ़ती हुई ताकत को अपनी सल्तनत के लिए खतरा महसूस करते हुए महमूद गजनवी ने सलजूकी इलाकों पर हमला करके सलजूकियों का जोर तोड़ दिया। लेकिन 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की वफात के बाद तोरुल बेग ने अपनी ताकत को दोबारा मुस्तहकम किया और महमूद गजनवी के बेटे मसूद को सलजूकियों से कई शिकस्तों का सामना करना पड़ा और आल सलजूक तमाम खुरासान पर काबिज हो गए। प्यारे दोस्तों, इसके बाद तोरुल बेग ख्वारज़म, इस्फहान, तबरेज और ईरान के एक बड़े हिस्से पर अपनी हुकूमत कायम करने में भी कामयाब हुए। ये वो जमाना था जब अब्बासी खिलाफत का दारुल हुकूमत बगदाद बदनज़मी का शिकार था और बगदाद पर आल बोया का कब्जा था। बगदाद के अब्बासी खलीफा कायम बिल्ला ने तोरुल बेग को मदद के लिए तलब किया जिसके बाद बगदाद पर सलजूकों का असर कायम हो गया और तोरुल बेग ने इराक, मोसल और दिया बाकर पर कब्जा करके अपनी सल्तनत को वसी इलाके पर फैला लिया। तोरुल बेग की वफात के बाद आपके भतीजे सुल्तान अल परसलान सलजूकी सल्तनत के सुल्तान बने
तुगरुल बेग इंतहाई मुखलिस इंसान थे। आप हाल ही में चलने वाला ड्रामा सीरा अल्परसलान में तुगरुल बेग का किरदार देख सकते हैं।